तो गाइस आज की जो हमारी शुरुआत है वो जामा मस्जिद के अंदर से आज हमारी ब्लॉग की शुरुआत। और आज मैं आपको, मैंने लास्ट टाइम भी आपको पूरी अख्तियारी का प्रोसेस बताया था, लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कि भाई किस तरह से कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊँगा और कैसा लगता है यहाँ पर लोगों को आने में, जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं, जिनके मतलब कई कई सालों से लोग कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो रोज़ा है वो जामा मस्जिद में हम खोलेंगे, जब वो यहाँ पर लोग आ जाते हैं फाइनली उनको कैसा लगता है, हम उन लोगों से भी हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अभी रोजे का थोड़ा समय बाकी है तो अभी इतनी चहल पहल नहीं है यहाँ पर उस दिन के मुकाबले, फ्राइडे के मुकाबले आज इतनी चहल पहल नहीं है, लेकिन अभी आफ्टर जब हमारा रोजे का टाइम हो जाएगा उस वक्त हम आपको चहल पहल दिखाएंगे कितनी है। और अभी हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातें कर लेते हैं कि भाई उनको कैसा लगता है यहाँ पर आ करके। तो गाइस लास्ट टाइम हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, हम ऊपर कुतुब मीनार में नहीं गए थे, सॉरी कुतुब मीनार कह रहा हूँ, लास्ट टाइम हम जामा मस्जिद की मीनार पर नहीं गए थे। और आज मैं आपको जामा मस्जिद की मीनार से भी दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या नज़ारा होने वाला है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं वो जामा मस्जिद की मीनार है, आप जैसा मेरी उंगली से देख सकते हो वाली है, हम वहीं पर जाने वाले हैं। और ऊपर से मैं नीचे का नज़ारा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ तो उतना मतलब फील नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप यही सब चीज़ें आप जामा मस्जिद की मीनार से देखोगे तो भाई बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा होता है। तो चलिए अभी मैं पहले कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको जामा मस्जिद की मीनार पर लेके जाने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट बार यहाँ पर आया हूँ। तो लोग नहीं यहाँ पर आ पाते, मतलब सिर्फ उनको एक ख्वाब रह जाता है, उनको क्या कह रहा है? मैं तो कहना चाहूँगा कि अल्लाह मियाँ सभी को हिदायत दे, सभी को यहाँ पर आना नसीब हो, सभी रोज़ा रखे, इबादत करे, बस इतना कहना चाहूँगा लोगों को। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, और अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर एक झूमर लगा हुआ है, ठीक है, ये मैंने झूम करके आपको दिखा दिया, बहुत बड़ा है गाइस। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग बैठे हैं और ये पूरा ऊपर जामा मस्जिद की जो मेन है वो यही है। बाकी इधर आप इसकी मीनार देख सकते हो, ठीक है, और अभी मैं आपको ऊपर मीनार पर भी लेके जाने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, वहाँ से भी मैं यहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ कि यहाँ का नज़ारा कैसा है नीचे का ऊपर से, क्योंकि हम लास्ट टाइम आए थे तो इतना आपने देखा था यहाँ पर भी भरा पड़ा था, लेकिन अभी थोड़ा अभी समय भी बाकी है, अभी रोजे में भी थोड़ा समय है, तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं कितनी छेड़छाड़ है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ और भी प्रोसेस, ठीक है, और भी कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग वजू कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई अपने अपने घर से सामान लेकर के उसको यहाँ पर कटिंग करते हैं, ठीक है। और अगर आप प्लान कर रहे हो आने का दिल्ली में और एक मतलब चाह रहे हो कि भाई जामा मस्जिद में हम रोज़ा खोलें, तो भाई आपको भी बाहर से सामान ले आना है और इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप खुद ले गए हो घर से? भाई इसने काटी है, बैठा हुआ है। हाँ भाई अभी रोजा वोजा भी रखना नहीं, भाई जाते रहते हैं जाफराबाद में, रहते अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, नमाज पढ़ते हैं। आप सब भी आए चाय चाय रख के, रोजे वोजे रखे, भाई रमजान का महीना चल रहा है, इबादत करें, यही महीना होता है। हाँ भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट सब कर दे यार। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये यहाँ पर जो इफ्तियारी होती है भाई उसका कोई कॉस्ट नहीं होता, ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पर भी बैठ करके कोई भी खा सकता है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी बैठ के खा सकता है, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने फैसिलिटीज़ अवेलेबल की हुई हैं। तो गाइस मीनार तो बंद हो चुकी है आप देख सकते हैं भाई, ठीक है, और टिकट भी यहाँ से जो टिकट की जो विंडो थी वो बंद हो गई, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और हम मतलब ऊपर मीनार पे नहीं जा पाए, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम बहुत सवेरा से आऊँगा जो आपको ऊपर का नज़ारा दिखा दूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बैठे हैं और रोज़ा इफ्तार करने के लिए, यहाँ पर भी काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर आप भी रोज़ा खोल सकते हो। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमें ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं इधर भी बैठे हैं लोग, और मैंने आपको दिखाया था इधर भी लोग बैठे हैं, ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट उस पर्ली साइड का भी दिखाया था, और जो बाकी जो अपने साथ जो फैमिली वाले आते हैं वो अपने अपने सामान लेकर आते हैं, वो कहीं पर भी बैठ जाते हैं। अगर आप भी इधर, भाई मैं तो ये कहूँगा आपको भी इधर आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, एक कल्चर जो है मतलब उसमें फील आ जाता है, ठीक है, तो आपको इधर आना चाहिए रमज़ान के टाइम में, खासकर आपको इधर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कितना जमावड़ा यहाँ पर लग गया है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था आपको दिखाया था मैंने, उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और जो जामा मस्जिद की जो रोशनी है आप देख सकते हैं कितना प्यारा एक माहौल बना हुआ है यहाँ पर, और बहुत अच्छी लग रही है जामा मस्जिद भी, और जो बाकी जो नीचे यहाँ पर लोग देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बेहतर लगता है यार। नहीं आते रहते अक्सर हम, ठीक
जो लोग मतलब एक सोचते हैं कि हम जामा मस्जिद में जाएं, वो नहीं आ पाते, उनके लिए क्या कहना चाहो? उनके लिए उन्हें आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए, अच्छा अच्छा माहौल रहता है यहाँ, और यहाँ ज़्यादा सवाब मिलता है हम लोगों को यहाँ रोजा खोलने के लिए। तो हाउ वाज योर फीलिंग, कैसा लगता है आपको यहाँ पर रोजा खोलने? फर्स्ट टाइम आए हो आप यहाँ? अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं, आते। तो ये अपने कुछ भाई दोस्त हैं जो इस वक्त मेहनत में लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि भाई देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें खुद करनी पड़ती हैं, राइट, क्योंकि हर चीज़ हमें बाहर नहीं मिलती है, लेकिन कम से कम हम काट सकते ही हैं। क्या नाम है आपका? तोहिद। तोहिद, कहाँ से हैं आप? मेरठ से। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आए हैं आप? नहीं, कई बार आ चुके हैं। अच्छा, पहले अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जैसा इतना सारा एक माहौल बना हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? आयशा। आप फर्स्ट टाइम आओ यहाँ पे? कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। आप भी फ्रेंड लोगों को बताओगे कैसा लगा आपको? जब आप यहाँ से जाओगे तो उनको बताओगे तो क्या, तो क्या बताओगे उनको आप? के दिल्ली आओ तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। जब आना भी चाहिए ना इधर? हाँ, ठीक है। आप कौन सी क्लास में हो? कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? अच्छा लगा। रोजा है आपका? ओके। यहाँ पर कुछ अपने चार भाई, चार पाँच भाई बैठे हैं, तो भाई कहाँ कहाँ से हो आप? रामपुर मुरादाबाद। बहुत अच्छा लगता है। जैसा अभी दो साल के बाद, दो साल बंद रहा है यहाँ पे, कोई रमजान की मतलब इस तरह का कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई, अभी जैसा खुला है उसके बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम तो रौनक नहीं थी। हाँ, अब रौनक है। आपका नाम क्या है? फरमान अली। आपको कैसा लगा? हमको भी अच्छा लगा। और बाकी जो लोगों को, लोग हैं उनको क्या कहोगे आप, कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, सबको आना चाहिए, आना चाहिए। ये तीसरी साइड है भाई, ठीक है, एक साइड मैंने आपको दिखा दी, उस साइड थी और एक उसके बराबर में थी, लेकिन अब यहाँ पर तीसरी साइड में भी आप यहाँ पर लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी लोग दुआएं मांग रहे हैं, जो उनकी जायज़ तमन्ना है वो उनकी दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि रमज़ान में जायज़ तमन्ना कबूल हो जाती है, तो इस वजह से लोग दुआ मांगने में लगे हैं, क्योंकि रोजे का भी समय हो गया है, तो सभी लोग बस वेट कर रहे हैं टाइमिंग का, क्योंकि यहाँ पर एक गोला होता है, उस वजह गोला होने के बाद फिर सब लोग रोजा खोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक माहौल जो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के लोगों को। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली में आ रहे हो वो भी रमज़ान में, तो आपको जामा मस्जिद ज़रूर आना चाहिए, और इन सब लोगों को देखो भाई, कितने मासूम से चेहरे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और बाकी इधर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो चुकी है स्टार्टिंग से, क्योंकि रोजे का समय होता जा रहा है, तो काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर, और जामा मस्जिद की जो लाइटें हैं वो भी जगमगा रही हैं यहाँ पर, और मीनारों की लाइटें भी आप देख सकते हैं कितनी अल्टीमेट हैं। गाइस, अब वक्त हो चुका है इफ्तारी का, तो मैं भी यहाँ पर बैठ जाता हूँ। मेरे कुछ साथी मेरे को यहाँ पर मिले हैं, जिन्होंने मेरे को बोला है कि भाई आज आप हमारे साथ इफ्तारी करोगे, तो मैं जब कोई ऐसा रिक्वेस्ट करता है तो फिर मना नहीं होता, तो मैं भी यहीं पर बैठ जाता हूँ और देख लेते हैं भाई उसके बाद फिर रोजे के बाद फिर हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गोला हो चुका है, शायद एक और होने वाला है अभी। ये देखो मीनार की लाइट जल गई, तो इसका मतलब यहाँ पर रोजा का टाइम हो गया। तो आप देख सकते हैं इन मीनारों से अंदाज़ा लग जाता है कि अजान हो गई, तो अब रोजा खोल लेते हैं। तो भाई रोजा सभी लोग खोल रहे हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कितने शांति से लोग यहाँ पर बगैर शोर शराबे के यहाँ पर रोजा खोल रहे हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा, जब यहाँ पर लाइट जली थी ना दोनों, इसका मतलब ये था कि भाई टाइम हो चुका है। और आप देख सकते हैं लाइट जलने के बाद यहाँ पर कैसा कितना अच्छा लग रहा है, और सभी लोग यहाँ से प्यार मोहब्बत से अपना रोजा को अख्तियार कर रहे हैं। और यहाँ से मैं इसका एक मास्टर शॉट में यहाँ पर लेना चाहूँगा इसका, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जामा मस्जिद कितनी अच्छी लग रही है, और जामा मस्जिद के दोनों मीनारे की लाइटें जल चुकी हैं, और बीच के जो दरवाजे हैं आप उन पर भी लाइटें देख सकते हैं, और लोग कितने प्यार से अपना रोजे को इख्तियार रहे हैं, कितने प्यार से लोग रोजा अपना खोल रहे हैं यहाँ पर। और अभी बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर नमाज़ होने वाली है, तो नमाज़ होएगी तो यहाँ पर जाहिर सी बात है लोग खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद फिर यहाँ पर लोग अपना वजू करेंगे, फिर वजू करने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई काफ़ी लोग, कितना मतलब अच्छा लगता है यार यहाँ पर जामा मस्जिद में आना। यहाँ से आप देख सकते हैं भाई पूरी जामा मस्जिद दिख रही है, ठीक है, और जितने लोग नीचे बैठे हैं वो भी सभी लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, तो अल्टीमेट यहाँ का नज़ारा है भाई। और बाकी अभी काफ़ी लोग अभी इफ्तारी कर रहे हैं, तो उनसे क्या ही हम बात करें अभी, क्योंकि सब लोग अभी खाने में बिज़ी हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर वजू पढ़ लेते हैं, और वजू के बाद फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सभी लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है, और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं। लेकिन रात को जो जामा मस्जिद चमक रही है भाई, उसका अलग ही नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं चाहूँगा कि मैं कुछ और लोगों से बात करूँ अभी यहाँ पर, और अभी देखते हैं कुछ और, कोई और लोग हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों से और से बात करनी है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद समी अख्तर, गंजनवारा से, सुंदर नगरी। इस टाइम तो अभी तो एक महीना हुआ हमें आए हुए। अच्छा, रमजान में पहली फर्स्ट टाइम आए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छा लगा, मस्जिद हमारी प्यारा लगा, यहाँ पे बहुत
अच्छा लगा। बाकी जो आपके जो फ्रेंड लोग हैं जब आपको इनसे बात होगी तो क्या बोलोगे आप? ये बोलेंगे कि दोबारा चलेंगे सब साथ में इकट्ठा होकर रोजा खोलते हैं। मतलब उनको भी आना चाहिए, बोल के सबको आना चाहिए, रौनक बढ़ती है। आप कौन सी क्लास में बुढ़िया? इंटर कर चुके हैं। इंटर कर चुके हैं? आपकी बेटी? नहीं, बहन है। क्या नाम है आपका? अंजू। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने घर में बैठे हुए हूँ, अच्छा लगा बहुत। बाकी क्या आप क्या करना चाहते हो आपके 12th? क्या 12th आगे 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 कुछ भी नहीं, आगे कुछ नहीं कि बस शादी? नहीं, बस अपने घर वालों के साथ रहना। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और नमाज पढ़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम उजैर है। नहीं, सबको एक बार जरूर आना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हमारा ब्लॉग होता है खत्म। हमने शुरुआत से लेकर के आपको एंड तक दिखाया कि कैसे यहाँ पर लोग एंट्री करते हैं और रोजा इफ्तार करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से सब लोग निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा ब्लॉग है वो हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर, और फिर मैं एक नया ब्लॉग लेकर आऊँगा एक नई लोकेशन के साथ और फिर इंजॉय के साथ।